आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस पार्टी ने विधायक दल का नेता चुनकर पंजाब का मुख्यमंत्री चुन लिया। लेकिन आज सुबह 11 बजे पंजाब के सीएम पद की वो शपथ लेने जा रहे हैं। चन्नी के साथ आज दो डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। लेकिन पंजाब की पॉलिटिकल पिक्चर में अभी असली खेल बाकी दिख रहा है। पंजाब प्रभारी हरीश रावत के बयान ने इस नए खेल को हवा दे दी है। पंजाब कांग्रेस से ही हरीश रावत के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है और इस नए विवाद के केंद्र में भी पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ही हैं। तो ये कुछ सवाल यहां पर उठ रहे हैं जिनके लिए अब चलते हैं रवि के पास। बिल्कुल, और क्या ये नया विवाद है और चन्नी के शपथ के दिन ही इस विवाद का क्या असर होगा, ये हम आपको बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरीके के हालात बदले हैं जो फैसला लिया गया आलाकमान की तरफ से उसके बाद से। तो पंजाब में चन्नी के साथ दो डिप्टी सीएम का मकसद क्या है, यह बहुत बड़ा सवाल है। और शपथ ग्रहण में राहुल की मौजूदगी के क्या संदेश है, क्या मतलब है, क्योंकि सबने आलाकमान की तरफ देखा था इस मामले को सुलझाने के लिए। क्या पंजाब में अमरिंदर एपिसोड का ट्विस्ट अभी बाकी है, क्या अभी भी कुछ ऐसा है जिसकी वजह से अमरिंदर सिंह की अहमियत बनी रहेगी। कांग्रेस का जो फैसला था उससे आम आदमी पार्टी और अकाली दल इसमें कितनी बेचैनी है, क्या उनके लिए ये नए मौके हैं या फिर वो ये देख रहे हैं कि नई चुनौती आ गई है। पंजाब का फॉर्मूला राजस्थान या छत्तीसगढ़ तक क्या जाएगा, क्योंकि वहां पर भी ऐसी ही सुगबुगाहट पहले हमने देखी है। चाहे वो राजस्थान की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां भी नेतृत्व को लेकर शीर्ष नेताओं में हमने देखा है कि किस तरह से मतभेद खुलकर सामने आया है। देखिए, तो ये सवाल है जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश की जाएगी आने वाले दिनों में। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त है वो ये है कि शपथ से पहले पंजाब कांग्रेस की कला का नया चैप्टर खुल गया है। पहली बार सिद्धू के विरोध में बोले हैं सुनील जाखड़। जाखड़ ने कहा है कि सिद्धू के नेतृत्व में चुनाव की बात हैरान करने वाली है। हरीश रावत ने चौंकाने वाला और सीएम की ताकत कमजोर करने वाला बयान दिया है। सुनील जाखड़ जिनको हटाकर पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया नवजोत सिंह सिद्धू को, सुनील जाखड़ का नाम सीएम पद की रेस में भी आगे चल रहा था कि पहली बार कोई गैर सिख और हिंदू कम्युनिटी से आने वाला सीएम बन सकता है। लेकिन सुनील जाखड़ का नाम, उसके नाम पर मुहर नहीं लगी और सुनील जाखड़ अब सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए। सुनील जाखड़ कौन है जरा ये भी हम समझते हैं, बिग बॉल ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। पंजाब विधानसभा में नेता विपक्ष रह चुके हैं सुनील जाखड़, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, और सिद्धू से पहले पंजाब कांग्रेस के ये अध्यक्ष थे जो पद इस वक्त सिद्धू के पास है। राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, क्लोज माने जाते हैं राहुल गांधी के, इसलिए भी इनकी इंपॉर्टेंस है, कद पंजाब में बड़ा है। लगातार तीन बार से ये विधायक रहे हैं, लगातार तीन बार से ये एमएलए का चुनाव जीतते रहे हैं और गुरदासपुर लोकसभा से सांसद भी रहे हैं ये, और 2017 में हुए उपचुनाव में इन्होंने जीत हासिल की थी। हम बात कर रहे हैं सुनील जाखड़ की। 2019 में सनी देओल के खिलाफ इन्होंने चुनाव भी लड़ा था, इलेक्शन लड़ा था। हालांकि सब जानते हैं कि सनी देओल को जीत मिली थी। जाट और हिंदू वोट बैंक पर अच्छी पकड़ इनकी मानी जाती है, यानी कि दो अलग अलग वोट बैंक जिसको ये साध सकते हैं। विधायक दल की बैठक में हुई थी सीएम के लिए जाखड़ पर चर्चा, ये भी रेस में थे, इनका नाम भी चल रहा था, हम इसका जिक्र कर चुके हैं पहले भी। और जाखड़ के नाम पर ज्यादातर विधायक पक्ष में थे, इनके फेवर में थे, इसलिए इनकी ताकत को माना जाता है कि काफी है। गौरव, यही बात है कि जाखड़ की अहमियत भी पंजाब के कांग्रेस की राजनीति से उनको माइनस नहीं किया जा सकता, माइनस नहीं किया जा सकता। इसीलिए सुनील जाखड़ जो कह रहे हैं उसकी उस बात के मायने कहां तक है अब ये समझने की कोशिश करेंगे। मोहित, सबसे पहले आपके पास, चरणजीत सिंह चन्नी के नाम से कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं, गुटबाजी को भी खत्म किया, विरोधियों को भी चित किया, लेकिन सुनील जाखड़ के बयान ने तो वो सारी हवा निकाल दी। लग रहा है कि गुटबाजी तो और बढ़ रही है। जी बिल्कुल, देखिए सुनील जाखड़ का जो बयान है वो अभी शुरुआत को मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि सुनील जाखड़ ने कहीं ना कहीं जो एक तबका है जो कि इस फैसले को पचा नहीं पा रहा, जिसके लिए पूरा फैसला सरप्राइजिंग है, उसको एक मौका दे दिया है और साथ ही साथ विपक्ष को भी मौका दे दिया है। कल तक अगर हम बात करें तो सुखबीर बादल ट्वीट करके मुबारकबाद दे रहे थे चरणजीत सिंह चन्नी को और उनको कह रहे थे कि आपकी सरकार जो 4.5 साल में वायदे पूरे नहीं कर पाई है जनता से, वो वायदे पूरे करें। लेकिन अब लगता है कि विपक्ष को भी एक मौका मिल गया है, सुनील जाखड़ ने एक प्लेटफॉर्म बनाकर दे दिया है, जिसके बाद अब ये सवाल उठने शुरू होंगे कि क्या चरणजीत सिंह चन्नी को सिर्फ 4 से 5 महीने का जो कार्यकाल बचा है उसके लिए डमी सीएम बनाकर रखा जाएगा, सिर्फ एक सांकेतिक तौर पर एक दलित नेता आगे कर दिया गया है, क्योंकि दलित वोट बैंक पर नजर है। बीजेपी ये कह चुकी है कि उनका जो सीएम अगर बनती, उनकी सरकार बनती है तो सीएम दलित समुदाय से होगा, डिप्टी सीएम दलित समुदाय से होगा, ये बात अकाली दल कह रहा है, आम आदमी पार्टी भी ये बात कह रही है।
रही है, तो उनको काउंटर करने के लिए क्या ये कदम उठाया गया सिर्फ 4 महीने के लिए इलेक्शन के लिए? दलित पॉलिटिक्स बल्कि देश पंजाब के बाहर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात तक भी इसके मायने निकाले जा रहे हैं। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।